इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आप किसी भी नंबर को अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में ऐड करने के बाद आप उस नंबर पर किसी भी तरह का फोटोज, वीडियोज या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आसानी से सेंड कर सकते हैं, यानी भेज सकते हैं। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक तरंग चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूं। और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप किसी को व्हाट्सएप में ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है। व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको नीचे चैट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही चैट सेक्शन को ओपन कीजिएगा, नीचे आपको वो सारा व्हाट्सएप अकाउंट देखने को मिल जाएगा जिस नंबर को आप पहले से सेव करके रखे हैं, यानी आप उस व्हाट्सएप नंबर को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किए हैं। अगर आप चाहते हैं किसी नए नंबर को अपने व्हाट्सएप में शामिल करें, तो आपको नीचे न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहां से आपको नंबर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां सबसे ऊपर नाम और नीचे फोन नंबर डालकर किसी का भी नंबर सेव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ नेम के जगह हम अपने चैनल का ही नाम डाल देते हैं, टेक तरंग। आपको जिसका भी नंबर सेव करना हो उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आपको उस मोबाइल नंबर को डाल देना है जिसको आप व्हाट्सएप में ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए हम अपने मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। जिस मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ऊपर राइट मार्क पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, वो मोबाइल नंबर सेव हो जाएगा। आप चाहे तो सीधे यहां से आप मोबाइल नंबर डाल करके किसी का भी मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं। अगर आप यहां से भी मोबाइल नंबर सेव करते हैं, फिर भी आप उसको व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं, यानी आपको किसी भी मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप में ऐड करने के लिए उसके मोबाइल नंबर को सेव करना होगा। मोबाइल नंबर को सेव करने के बाद आपको फिर से व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको इस चैट पर क्लिक करना है। जैसे ही चैट सेक्शन को ओपन कीजिएगा, आपको वो व्हाट्सएप अकाउंट देखने को मिल जाएगा जिस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव किए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी टेक तरंग नाम से हम अपने नंबर को सेव किए और यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप अकाउंट आ चुका है। उसके बाद आप आसानी से उस पर क्लिक करके किसी को भी कोई फोटोज, वीडियोज या डॉक्यूमेंट आसानी से सेंड कर सकते हैं।